नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। बताए कि झारखंड के पारा शिक्षक कल करेंगे सीएम आवास का घेराव। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा मांगों को लेकर अब 17 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। मोर्चा ने संजय कुमार दुबे ने बताया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। मोर्चा अपनी मांगों को लेकर चिड़बंद आंदोलन कर रहा है। मोर्चा की मुख्य मांगों में सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक को वेतनमान, ईपीएफ देना, आंकड़ परीक्षा जल्द लेना, शिक्षक नियुक्ति में सीटेट को भी मान्यता देना शामिल है। बचले की सेवा सत दीमावली मनाने की मांग की जा रही है। बीआरपी सीआरपी एसएस संघ ने सेवा सत दीमावली बनाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि दीमावली को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गई है, लेकिन इसके बाद आगे की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने दीमावली को जल्द कैबिनेट से स्वीकृति दिलाने की मांग भी की है। बचले के शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर के शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर के लिए बनी है कमेटी। राज्य के मध्य प्रोन्नति के लिए कमेटी बनी है। विद्यालयों में भाषा विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों के पद शिक्षित किए गए हैं। राज्य के कई जिलों में कॉमर्स से स्थानक पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति सामाजिक विज्ञान विषय के लिए शिक्षित पद हुई है। इन शिक्षकों को शिक्षकों की प्रोन्नति पर निर्णय के लिए माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक एस जी त्रिंगा की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। 3 सदस्यीय कमेटी में माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक शिवेंद्र कुमार सदस्य व अपर सचिव जागो चौधरी सदस्य सचिव बनाए गए हैं। मैं चले कि यहाँ पे पारा शिक्षकों को लेकर के एक बड़ी अपडेट लेकर के आ रही थी, जो कि कल पारा शिक्षक सहायक अध्यापक सीएम आवास घेराव को लेकर के एक बड़ी रणनीति तैयार कर लिए हैं। अब कल सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा पारा शिक्षकों से, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में सीएम आवास का घेराव किया जा सके, ताकि अपनी सेवा सत नियमावली में की मांगों को पूरा किया जा सके और अपनी मांगों को लेकर के आप तत्पर रहें। हम आपके सपोर्ट में हैं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।